हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी पूछा जाता है। देखिए, बात करते हैं बैंक की, एसएससी की या ऑल पुलिस एग्जाम की बात करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरीके से पटवार जो परीक्षा होगी आपकी, तो उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो क्या होता है। देखिए, सुनने में बहुत इजी लगता है, बहुत लॉजिकल होता है, बहुत ट्रिकी होता है, दिखने में भी काफी इजी लगता है, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो हम हिल जाते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि यार इसका डिकोड क्या होगा, इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब वो करने से पहले आपको इसके जो अल्फाबेट होते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको आएगी तो आप डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम में आप इसको कर पाओगे, लेकिन वो आपको आनी चाहिए। तो आज इसी वीडियो में वो सब देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाइस शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो देखिए, यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग है वो कुछ टाइप्स होते हैं इसके करने के। तो उसमें देखिए, सबसे पहला टाइप यहाँ पे होता है लैडर कोडिंग का। लैडर कोडिंग में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि लैडर कोडिंग में अल्फाबेट के वर्ड होते हैं, कोई भी वर्ड होते हैं, और उनको किसी भी डिकोड किसी भी वर्ड से डिकोड किया जाता है। उसी टाइप का कोई अदर वर्ड देते हैं, उसको उसी ही टाइप में जो अपन को पहले दिया होता है उसमें डिकोड करना होता है, समझ में आया। उसके बाद अपने पास है नंबर कोडिंग, यानी कि संख्या कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग का मतलब होता है कोई भी अपने पास वर्ड होता है और किसी नंबर से उसको डिकोड कर दिया जाता है, और नंबर से डिकोड कर दिया जाता है तो उसी तरीके से कोई और वर्ड देते हैं और हमें भी क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर भी उसी तरीके से डिकोड करके करना होता है। अब नेक्स्ट आती है थर्ड नंबर, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होता है, प्रतिस्थापन कोडिंग। अब प्रतिस्थापन कोडिंग क्या होता है, जैसे कोई भी अपने पास वर्ड है, ठीक है, अपने पास कोई भी वर्ड है और उसको किसी अदर ही वर्ड से इसको डिकोड कर रखा है, यानी कि जैसे कि क्वेश्चंस में आपने देखे हुए, जैसे चाइनीज कोडिंग जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं और वो एसएससी में आते हैं, और पटवार में भी ये इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास कोई भी इसी तरीके का एग्जांपल है, बुक, पेन, और यहाँ पे कोई भी वर्ड दे दिए जाते हैं, इनको डिकोड किया जाता है, जैसे कि जी पी आई इस तरीके से। फिर इसी तरीके से कोई और वर्ड दे दिया जाता है, स्कूल, होम, और यहां पे बुक, ठीक है, इनको फिर कर दिया जाता है इस तरीके। इस तरीके की जो कोडिंग एग्जाम में पूछी जाती है उनको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोला जाता है। और भी काफी टाइप्स होती हैं, और भी काफी तरीके होते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम सब करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा, अच्छे से हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैं इसी ही वीडियो में आपको सारे अल्फाबेट के नंबर्स जो प्लेस वैल्यू होती है वो मैं सिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं वो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, प्लेस वैल्यू याद करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट कर लो या आप किसी को एनालिसिस करके कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे हम कोडिंग की यहां पे यदि बात करते हैं तो देखिए कोडिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो हमें कोई भी प्लेस वैल्यू याद करनी होगी, ठीक है, कहां से ए टू जेड। एक होता है आपका जो अपोजिट में होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं उनको याद करना होता है, ठीक है, जैसे कि जेड टू ए होता है, और इनको रिवर्स में किस तरीके से याद करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ए से लेके और जेड तक सभी नंबर याद होने चाहिए, ना कि आप एग्जाम में जाके वहां पे, काफी बार मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी फाइट करे हैं, मैंने भी क्रैक किए हैं एग्जाम, तो मैंने देखा है कि जब भी हम किसी भी डेस्कटॉप पे बैठते थे तो वहां पे जैसे ही हम देखते थे तो वहां पे पहले से ए टू जेड तक अल्फाबेट लिखे होते थे विद नंबर,
हंसी आती थी उनको देख के कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आके और ये सब लिख लेते थे कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइम कम होता है, फटाफट ढूंढे ही करेंगे, ढूंढेंगे टाइम लगेगा, इससे अच्छा है ना कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ढूंढने की नौबत ही ना आए। चलो मैं मानती हूँ कि पटवार का एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, तो देखिए सीजीएल में टाइम कितना होता है, 1 आवर होता है, क्वेश्चन सीधे तरीके के आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से आएंगे तो आप डेफिनेटली कम टाइम में ये क्वेश्चंस फटाफट सोल्व कर दोगे। लेकिन सीखना क्या, आपको ही पड़ेगा, सिखाना हमारा काम है। तो चलिए सीखते हैं, आज अच्छे से सीखेंगे, याद करके ही जाएंगे। सबसे पहले यहां पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, ज्यादा बड़े हो जाएंगे यहां पे, तो देखते हैं यहां पे। जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है, इसी तरीके से फिर इनको अपोजिट में एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, बचपन में तो आपने ये सीखे होंगे, लेकिन बचपन में आपको ये सीखे होंगे कि भाई ए से लेके जेड तक ए बी सी डी होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आज इनके नंबर पहले से हम याद करने वाले हैं, तो देखिए सभी को ए बी सी डी का तो पता ही होगा, ए बी सी डी है, तो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। एक और बता दूं, यहां पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी पता होता है कि जेड है वो 26 पे आता है, वाई 25 पे आता है और एक्स आता है वो अपना कितने पे आता है, 24 पे आता है, ठीक है, सभी को याद होगी। लेकिन अब आगे हम इसको किस तरीके से याद करें, तो देखिए आपके पास एक वर्ड होगा ये जो ये वर्ड काफी इजी है, इसी तरीके से आप याद करोगे तो आपको जल्दी ही भी याद होंगे, क्योंकि नई नई ट्रिक सीखने से आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए इजोटी आपके पास वर्ड होगा और ये 5 की डिवाइडेशन पे काम करता है, ये कितने पे आता है, 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई कितने पे आता है, 25 पे, ठीक है। तो इजोटी एक वर्ड है, ई जो टी, ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करना है। किसी भी चीज को हम किसी भी चीज से रिलेट करते हैं वो अपने अच्छे से याद होती है। लाइक जैसे हम कोई भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, तो कोई भी जैसे ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी चीज को याद करते हैं, ठीक है, तो हमें जल्दी याद होता है। इसी तरीके से रीजनिंग में जो अल्फाबेट जो अपन सीख रहे हैं यहाँ पे डिकोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, तो इसको भी हम किसी ना किसी तरीके को रिलेट करेंगे, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इजोटी आपके पास वर्ड है, 5 का डिवाइडेशन यहाँ पे चल रहा है, ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है यानी 15, टी 20, एन वाई 25। अब आगे के कैसे याद होंगे, तो आगे के देखें, आगे के याद करेंगे, ई का आपका पता चल गया कि ई आता है 5 पे। अब एफ का कैसे याद करेंगे, देखिए एफ को हम याद कर सकते हैं फिक्स 6, फिक्स किससे याद करेंगे, फिक्स 6 यानी कि 6 नंबर पे आता है, ठीक है, एफ कितने पे आया, 6, याद कैसे करेंगे, एफ फिक्स 6, आपके माइंड में हिट होना चाहिए कि एफ आते यार, एफ फिक्स 6, फिक्स 6 यानी कि 6 नंबर पे आ रहा है एफ, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेट करके याद करेंगे। जी की बात करते हैं, तो जी की देखिए 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ, जैसे भी आपको सही लगे तो आप याद कर लेना। तो देखिए जी का हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है, तो ये 7 की पोजीशन आपको शो हो रही है, ठीक है, ये 7 की तरह आपको शो हो रहा है, तो ये कितने नंबर पे आता है, 7 पे। एक हम बात करेंगे कि जो G7 होता है, जो G7 अपनी कंट्रीज होती है, समिट होती है, जो सम्मेलन होते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि G7 जो कंट्री होती है, तो ठीक है, तो जी अपना कितने पे हो जाएगा,
7 पे हो जाए। अब बात करते हैं H की, तो H को यदि हम कंप्लीट इस तरीके से बंद करते हैं, ठीक है, तो 8 की तरह दिखता है, 8 की पोजीशन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, तो H है अपना कितने पे आ जाएगा, 8 से। अब नेक्स्ट है I, अब I का भी मैं दो तरीके बताऊंगी, तो यहां पे देखिए जो I होता है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं और हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आई को इस तरीके से जब लिखते हैं तो 9 की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से भी बात कर सकते हो कि जो आई होता है तो हम कभी भी किसी से बात करते हैं और हमें वो चीज पता होती है और बहुत ही नॉर्मल हो गई ये बातें कि हम कैसे बोलते हैं आई नो, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, जो आई है वो 9 नंबर पे आता है, आई नो, ठीक है, तो आई नो यानी कि आई है वो 9 नंबर पे आता है, याद कैसे करेंगे, आई नो, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जे, तो जे को हमने यहां से याद किया था इजोबी से, तो जे कितने पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ओके। अब के को किस तरीके से याद करेंगे, के को मैंने रिलेट किया है क्रिकेट से और क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 11, यानी क्रिकेट की टीम में 11 मेंबर होते हैं और के यहां पे हिंदी के वर्ड से लिया मैंने क्रिकेट, ठीक है, जो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है, या आप याद कर सकते हो जो किंग्स 11 वाली जो टीम थी, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब की जो टीम थी उससे भी आप उसको याद कर सकते हैं, ओके। तो अपना जो के है वो कितने नंबर पे आ जाएगा, 11 पे, तो के को मैंने किससे रिलेट किया, क्रिकेट से, ओके, इस वाले क्रिकेट से। आपको आपके माइंड में विजुलाइजेशन करना है कि आपको किस तरीके से ये याद करना है, ठीक है, जिस तरीके से आप किसी भी वर्ड को रिलेट करोगे उसी तरीके से आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो आपको डेफिनेटली मैं श्योर कहती हूं कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्रिकेट को जैसे क्रिकेट में 11 मेंबर होते हैं तो ये के पे आ गया, ठीक है, यहां पे हमने के का देखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एल का, तो एल को मैंने रिलेट किया है लंच से, तो देखिए यहां पे जो अपना लंच है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है जो लंच है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो लंच है यानी कि एल है वो 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एम की, तो मेरा 13 क्या हो जाएगा, मेरा 13, तो यहाँ पे जो एम है वो 13 नंबर पे आ जाएगा। अब सबको पता है जब एम है वो आपका 13 नंबर पे है और एम के बाद एन आता है, ये तो सबको याद होगा, तो एम है वो अपना कितने नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक और है वो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे जो एम और एन की जो ट्रिक है वो यहाँ पे मैंने बनाई है, एम एन यानी कि मालवीय नगर, मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 एंड 14, समझ में आया, ट्रिक समझ में आई आपको। यहां पे देखिए जो एम और एन की जो ट्रिक है वो है कि मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 एंड 14, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पे ओ का, ओ का आपको पता है यहां से जो टी से हमने याद किया था ओ है वो अपना 15 नंबर पे आता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है पी, अब पी को हम किस तरीके से याद करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पी है वो हम कई तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे इजी तरीका यदि मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे यदि हम पी को उल्टा लिखते हैं तो ये 6 की तरह दिखता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सॉरी इस तरीके से, जैसे ये है इस तरीके से, अभी 6 का साइन शो हो रहा है और पी है वो 16 नंबर पे आ जाएगा अपना, ठीक है। या फिर देखिए हम जब पढ़ते थे, हमें किसी भी टीचर ने पढ़ाया था तो वो कहते थे कि पर्सन संख्या 16, कोई भी माइंड में किसी भी तरीके से आप याद कर सकते, तो आप पे डिपेंड करता है, पर्सन संख्या 16, अब जब भी पी आएगा तो आपके पास हो गए, आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप पर्सन सोल्व कर सकते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो पर्सन संख्या है वो 16 नंबर पे आता है, ठीक है, यानी कि पी है वो 16 नंबर पे आता है। अब क्यों क्यों आता है, क्यू का मतलब देखिए यहाँ पे क्यू आता है 70 नंबर पे, यहाँ पे हमने याद किया जो क्वीन के नखरे हैं, क्वीन के नखरे हैं वो कितने हैं, उसके 17 नखरे हैं, ठीक है, क्वीन के कितने नखरे हैं,
17, कितने नखरे हैं उसके, 17 नखरे, ठीक है। अब आर एस टी ये मैंने कैसे याद करा, मतलब याद आपको करवाना है, तो देखिए इसकी भी एक ट्रिक है कि जो आर एस और टी यानी कि राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर कितना हो गया, 18, 19, 20, हुआ ना यार। जो आर एस टी को हमने एक साथ याद किया, और टी का तो आप यहां से भी याद कर सकते हो, जो टी है वो 20 नंबर पे आता है, जो टी से हमने जो याद किया, ठीक है। लेकिन तीनों को साथ लेके चलते हैं तो आर एस टी का मतलब है कि राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, यहीं पे आपको याद हो जाएगी, बस रुके रहिए। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इसी तरीके से एक बार रिवाइज करना, मेरे साथ एक बार रिवाइज करोगे तो आप डेफिनेटली आज ही आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आर एस टी का हो गया राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। इसी तरीके से हमने यू वी और डब्ल्यू की ट्रिक बनाई है, यू वी डब्ल्यू यानी कि अल्ट्रा वोलेट वेव नंबर कितने हो गए, 21, 22, 23। समझ में आया आपको कि अल्ट्रा वायलेट वेव नंबर, साइंस के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे, अल्ट्रा वायलेट वेव नंबर 21, 22, 23 यानी कि 21, 22, 23 इनके नंबर है, ठीक है। तो आसानी से आप याद करोगे क्योंकि मैंने कोई अदर ऐसे कोई भी आपके सामने वर्ड नहीं लेके आई कि आपको याद नहीं हो। देखिए एम एन की हमने ट्रिक याद की थी, मालवीय नगर सेक्टर नंबर, यानी कि नंबर ही हम याद कर रहे हैं, नंबर को ही रिलेट लेके चल रहे हैं, लेकिन अदर अदर फॉर्म में मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 एंड 14। यहाँ पे देखिए राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। नेक्स्ट है यू वी डब्ल्यू अल्ट्रा वायलेट वेव नंबर 21, 22, 23। तो हो गया ना आपको याद। तो यहाँ पे देखिए आपका आर 18 पे, एस आपका 19 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, और डब्ल्यू आपका कितने पे हो जाएगा, 23 पे। और ये तीन आपको याद हैं और यहाँ पे चार हैं, यदि ए बी सी डी, ये आपको अच्छे से याद है, ठीक है। तो है ना इजी ट्रिक, और आपको होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इनके जो अपोजिट नंबरिंग है उनको हम याद करेंगे, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और देखिए मैंने थर्ड नंबर वाली जो आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशनल जो कोडिंग होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ABCD को आपने कैसे याद किया, 1, 2, 3, 4 सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं। तो ABCD आपकी चार नंबर, E को आपने याद किया इजोटी से, तो E है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे इजोटी को हमने यहाँ पे 5 के डिवाइडेशन से हमने इसको याद किया, ठीक, तो E है वो 5 पे आ गया। उसके बाद हम F को हमने याद किया फिक्स सिक्स, याद कैसे करना है, फिक्स सिक्स याद हो जाएगा, फिक्स सिक्स। तो यहाँ पे जो एफ है वो 6 नंबर पे आएगा। जी को हमने याद किया, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से देखते हैं तो ये कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, यानी कि 7 की पोजीशन भी शो करता है, या फिर हम G7 जो कंट्रीज है उससे भी हम उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट की बात करी है एच की, तो एच को यहाँ पे देखिए जब हम इसको बंद करते हैं तो एच है वो 8 की तरह हमें दिखाई देता है, तो जो एच है वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। आई का मैंने देखिए यहाँ पे हम आई को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इसी फॉर्म में लिखते होंगे, या फिर मैंने आपको याद करवा है आई नो। जब भी हम किसी से बात करते हैं हमें पता होता है तो हम कैसे बोलते हैं, आई नो। तो आपके माइंड में हिट होना चाहिए कि जो आई आ गया तो हमें क्या ये आई है वो कितने नंबर पे आता है, तो आई नो यानी कि 9 नंबर पे आता है। बात करते हैं जे की, तो जे यहाँ पे देखिए हमने इजोटी से याद किया और जे है वो 10 नंबर पे आया, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो के है, के को हमने याद किया, जो किंग्स 11 पंजाब की जो टीम है और क्रिकेट की टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 11, उससे हमने इसको याद किया, तो के है वो 11 नंबर पे आता है। उसके बाद हमने बात करी एल की, तो एल से मैंने रिलेट करवाया आपको लंच से, और लंच है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, सभी को पता है, तो एल है वो 12 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एम की, तो एम देखिए यहाँ पे मेरा 13
13, इससे आपको याद हो जाएगा। जब एम का आपको पता है तो एम के बाद क्या आता है, एन, और एन को हमने किससे याद किया, 14 से, तो एन है वो 14 नंबर पे आता है। उसके बाद हमने बात करी है ओ की, तो ओ है वो जोटी से हमने याद किया था, और ओ है वो आपका कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। उसके बाद पी को पर्सन संख्या 16 से हमने याद किया, क्यू को हमने याद किया, क्वीन के जो नखरे होते हैं वो 17 नखरे होते हैं, इस तरीके से हमने याद कर लिया। और आर एस टी को हमने एक साथ याद किया, और किससे हमने याद किया, देखिए राजस्थान हिस्ट्री टैक्सी नंबर 18, 19, 20, इससे हमने इसको याद किया। नेक्स्ट की बात करते हैं यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू को हमने याद करा है अल्ट्रा वोलेट वेव नंबर से, यानी 21, 22, 23, अल्ट्रा वोलेट वेव नंबर 21, 22, 23, इस तरीके से हमने इसको याद किया। उसके बाद एक्स वाई और जेड, ये तीनों का जो पैलेस नंबर है, प्लेस नंबर, वो आपको पहले से ही याद है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अपोजिट जो नंबर होते हैं, अपोजिट किस तरीके से हम इसको याद करेंगे, उसको भी याद करने की लेकिन ट्रिक है, बने रहिए कहीं मत जाइए, और उसको भी आज हम इसी वीडियो में, इसी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी है ए और जेड की, यहाँ पे हमने बात करी है ए और जेड की, याद कैसे करेंगे, हमें पता है, देखिए ए और जेड का तो हमें पता है कि ए का जो अपोजिट है वो जेड आता है, और जेड का अपोजिट क्या आता है, ए आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट से करते हैं, ए और जेड को हम याद करेंगे अजाद से, ठीक है, अजाद से, तो ए का अपोजिट जेड आता है और जेड का अपोजिट ए आता है। अब बी और वाई को हम याद करेंगे, किससे याद करेंगे, बॉय से, ठीक है, अच्छे से याद होते जाइए। ये जो ट्रिक्स है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक कोई और नहीं बताएगा, देखिए सब बताते हैं लेकिन सबका कुछ कुछ मिक्स होता है, कुछ अलग वे होता है, लेकिन ये सबसे इजी ट्रिक है, एक बार याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने भी एक बार याद की थी, आज तक नहीं भूली हूं। तो देखे यहाँ पे बॉय, ओके, बात करते हैं सी और एक्स की, कैसे याद करोगे, क्रैक्स, कैसे याद करोगे, क्रैक्स एक वर्ड है और क्रैक्स से आप याद करोगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट डी ओ डब्ल्यू, डी ओ डब्ल्यू के दो डिक्स बताती हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे याद कर लेना। एक तो होती है जो अपनी, देखो गर्मी का मौसम है और ड्यू किसको पसंद नहीं है, देखो कोई लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन ड्यू कोल्ड ड्रिंक सबको पता है, तो उससे भी याद कर सकते हैं, या फिर दूध वाला, ठीक है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास डब्ल्यू आता है तो आप भूल जाते हो, तो डब्ल्यू आप रिलेट करो वाला से, ठीक है, और दूध तो अपने आप आ जाएगा, ओके, तो दूध वाला इसके अपोजिट, यानी डी के अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट डी, इस तरीके से हमें इसको याद करें, ना कि एक ही तरीके से हम याद करेंगे कि दूध वाला, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं ई और वी की, ई और वी को मैंने याद किया है इवन नंबर, जो इवन होता है उससे हमने इसको याद किया है, ठीक है, या आप इसको याद कर सकते हैं इवनिंग से। देखो कोई, मैंने काफी जगह देखा भी है, कुछ ना कुछ स्टोरी बना के ना इसको याद करवाते हैं, स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, आप क्लास को इंटरेस्टिंग बना देंगे बहुत अच्छी बात है, बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, इंटरेस्टिंग आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, लेकिन वो स्टोरी नंबर प्लेस वैल्यू को याद करने का उनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो याद इस तरीके से कीजिए कि आपको याद उसी तरीके से हो जाए, ना कि कुछ स्टोरी बना के याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे इवन, यानी इवन और इवनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं एफ यू, यानी कि एफ और यू की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फैन से हम याद करें, फन से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम याद करें, या फिर एक वर्ड आता है काफी बार बोलते हैं लड़कों के से सुनने को मिलता है, उफ, उफ की अदा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ तो वर्ड अपने माइंड में हिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्ड आपके पास होना चाहिए जिससे आप उसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए यू आपके पास आता है और उसके अपोजिट वर्ड, अब इतने वर्ड हैं भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको इसके अपोजिट भी पता होना चाहिए कि उफ, तो यू के अपोजिट क्या आता है, एफ आता है, और यहाँ पे एफ के अपोजिट की बात करें तो फन से आप याद कर सकते हो फर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जीटी, तो जीटी को हम रिलेट करेंगे जीटी रोड से। अब देखिए राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर में जीटी है,
सबको पता है, सब जाते हैं गौरव टावर्स के नाम से याद, जीटी रोड भी होता है, इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे एचएसपी। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखिए बहुत सारी इनकी ट्रिक्स होती है, मैं सारी आपको बता देती हूँ, जैसे भी आपको सुटेबल लगे तो आप उसको उसी तरीके से याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे एच आता है तो हाई, और अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल। एस आता है, स्कूल आपके माइंड में हिट हो रहा है, तो स्कूल कौन सी, हाई स्कूल पास करके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप याद कर सकते हो हनी सिंह से, सब गाने सुनते थे पहले, देखो अब तो जो भी है फ्लॉप हो गया, लेकिन हनी सिंह के सब गाने सुनते थे और काफी पॉपुलर सिंगर भी है। ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो, हिल स्टेशन से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, हिल स्टेशन से भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं आईआर, तो आईआर को हमने यहां पे याद करेंगे इंडियन रेलवे। ठीक है, या हम याद करेंगे आईआर स्पेक्ट्रम से, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे आईआर स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो आईआर से याद करेंगे इंडियन रेलवे या फिर आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेक्यू, तो राजस्थान वाले बच्चे हैं सब जानते हैं, तो यहां पे हम याद करेंगे जयपुर क्वीन से, और क्वीन के 17 नखरे ये आपने देखने हैं, जो क्यू है वो 17 नंबर पे आता है, तो जे और क्यू को हम याद करेंगे जयपुर क्वीन से। ठीक है, इससे हम इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं केपी से, केपी सॉरी केपी को हम किससे याद करेंगे, तो यहां पे देखिए केपी को याद करने के ना काफी तरीके हैं, जैसे कि बात करते हैं केपी का काला पानी से, या फिर आप कानपुर से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग के जो नंबर प्लेस आपको याद करवाए हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए ना यूजफुल है। लाइक कि मैं बात करती हूँ एसएससी, बैंक, या फिर आपके पटवार एग्जाम, राजस्थान एसआई, कोई भी पुलिस एग्जाम, दिल्ली पुलिस, या फिर आपके यूपी एसआई की बात करती हूँ, या फिर हरियाणा एसआई की बात करती हूँ, तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली आते हैं। और देखो टाइम कम होता है, किसी अदर क्वेश्चन पे टाइम लगाए, जो चीज की ट्रिक बन गई है जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो वो हमें याद होना चाहिए, तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको करवाई हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब देखिए यहाँ पे एल और ओ आता है, एल और ओ को आप किस तरीके से याद करोगे, देखिए लव से भी याद कर सकते हैं और लोइन से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल और ओ को इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम और एन की, एम और एन को आप याद कर सकते हैं मैन से। ठीक है, एम और एन को आप याद कर सकते हैं मैन से। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखें, ए और जेड को हमने याद किया है आजाद से, ओके। नेक्स्ट बी वाई को, यानी बॉय, इससे हम इस वर्ग से रिलेट करके बी और वाई को याद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैक्स, क्रैक से हम याद करेंगे। डी और डब्ल्यू को हम ड्यू से और दूध वाले से याद किया है। ई और वी को हमने इवन और इवनिंग से याद किया है। उसके बाद एफ और यू, यानी कि फन और उप से याद किया है। जी और टी को हमने जीटी रोड से रिलेट करके याद किया है। एच और एस को हाई स्कूल, हनी सिंह और हिल स्टेशन से याद किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं आईआर, यानी इंडियन रेलवे और आईआर स्पेक्ट्रम से हमने इसको याद किया है। जेक्यू को हमने याद किया है जयपुर क्वीन से, हमने इसको याद किया है। केपी को हम याद किया है काला पानी या कानपुर से, हमने इसको याद किया। एल और ओ को लव और लोइन से, हमने इसको याद किया। एम और एन को मैन से इसको याद किया। तो देखिए सबसे पहले तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके पास ऐसे देखिए नोटबुक लेके बैठे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, तब आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आसानी से याद कर लोगे, कोई डिफिकल्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है,
कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अपोजिट याद करवाया, उसके बाद जिस तरीके से हमने ए बी सी डी ये सब मैंने याद करवाया, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सब किया। अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अपने पास कोई भी वर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि ये कोई भी वर्ड है, इस तरीके से इसके कोई डिकोड दे रखा है, तो इसका तरीका क्या होता है? बहुत सारे तरीके, बहुत सारे वे हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। या तो हमें क्या होता है, इस तरीके से ही मिल जाता है, यानी कि प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है, या फिर यहीं पे माइनस वन फिर प्लस वन फिर माइनस वन फिर प्लस वन फिर माइनस वन, इस तरीके से भी आ सकता है, या प्लस टू फिर प्लस वन प्लस टू प्लस वन, इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर किस तरीके से आता है आपके पास, देखिए ये आपके पास है, तो ये दोनों है ये सेम, जैसे कि यहां पे प्लस वन करके हो गया या माइनस वन करके हो गया, ये वाला वर्ड यहाँ पे, ये वाला वर्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ, इस तरीके से भी इसको डिकोड कर सकते हैं। या देखिए आपके पास कोई भी वर्ड है उसको डिकोड कर रखा है इस वे में, देखिए यहाँ पे इसको भी इससे और इसको किससे कर रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में ये सब हमने सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी तैयारी को अच्छे से करना, एग्जाम आपका पटवार का डेफिनेटली देखिए नवंबर में हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान एसआई के जो स्टूडेंट है या फिर यूपी एसआई के स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम की डेट है अगस्त या सितंबर, ठीक है, और सितंबर में इसकी भी डेट आ गई है 4 सितंबर राजस्थान एसआई की। तो अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ओल्ड पेपर उठाइए उनको कीजिए, तो आप डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले पाओ। यही टाइम है आपका पढ़ने का, 2 साल पहले से ही बहुत खराब हो चुके हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आगे आप अपनी साल को खराब ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।